यार मैं तो कहता हूँ ग्रेट खाली को एक बार लाहौर का चक्कर लगाना चाहिए है, एक उसे सांस लेनी है, फॉग चले जानी है सारी। भाई इन भाई साहब को देखो है, गाड़ी के अंदर भी धुंध लेके आ रहे हैं, ये पागल हो गए ये नशे में। दो बज रहे हैं, दो सो गए हैं सारे। अरूब के अपने घर में इज्जत नहीं है, ना कोई आने दे रहा है। भाई कोई तो आ जाए घर से बाहर। हेलो हेलो जी, वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। तुम क्या निंजा बन के बैठी हुई हो भाई, मिक्की माउस वाली हुडी कहां है तुम्हारी? अरूब मैं तो कहता हूँ मुझे भी एक मिक्की माउस वाली हुडी ले दो, बाहर भालू बन के फिरा करेंगे हम भी। भाई तुम लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने जो है अरूब की गाड़ी का इंटीरियर व्हाइट पिंक वगैरह करवाना था, तो अभी उसके लिए बंदे साइन हो रहे हैं और काम उस पे अभी चलना है। लेकिन अरूब ने जो है ना अपना शशका वशका अभी से शुरू कर दिया भाई। ये गाड़ी की चाबी देखो, उसने सत्यानाश कर दिया भाई। ये भी सिर्फ ट्रेलर है। अच्छा ट्रेलर भाई, ओए 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 भाई, गाड़ी की चाबी को इसने फुल पता नहीं क्या बना दिया। इमेजिन मेरी गाड़ी खराब और मुझे तुम्हारी गाड़ी लेके जानी पड़े, मेरी तो पब्लिक में पिस्ती हो जाएगी। कोई भी अगर मेरे हाथ में इस तरह की चाबी देखेगा भाई, वो सोचेगा कि ये डक्की भाई की जगह की डक्की बहन बैठी है ये। सत्यानाश हो जाएगा भाई, बड़ा जलील करने लोगों ने मुझे भाई। इसीलिए तुम्हें पिंक किया था कि तुम आज के बाद गाड़ी को हाथ लो। रुक ड्रामे ना कर, निकल। एनीवे वेलकम बैक हो गया तुम सब कहना था व्लॉग के अंदर। अगर अभी तक तुम लोगों ने डक्की भाई व्लॉग एंजॉय नहीं किया हो तो कर लो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। भाई हमें जो है ना फाइनली एक बंदा मिला है जो थोड़ा जल्दी काम कर देगा अरूब की गाड़ी का इंटीरियर सेट करने में, तो बस एक्सपेक्ट कर सकती हो कि एक हफ्ते के अंदर या कोई एज सून एज पॉसिबल हो जाएगा। टेंशन ना लो, गुड हो गया जी। अभी जो है ना हमें मार्केट जाना है क्योंकि आपके भाई के पास ना कोई हुडी शुडी है नहीं और आपका भाई आधे आधे कपड़ों के अंदर जो है ना फिरता रहता है बाहर कुत्तों की तरह, क्योंकि आपका भाई जो है ना एक ही शर्ट पे साथ साथ व्लॉग आके थक गया है भाई। अब मैं चाह रहा हूँ कि कुछ नए नए कपड़े होने चाहिए हैं। क्या बात है सर, बड़ी बेइज्जती होती है भाई। मेरे भाई अपने जैसे हाँ, कुछ शर्ट चेंज कर लेते हैं यार। है अभी बंदा एक ही ब्लू ब्लू शर्ट के अंदर व्लॉग बना बना के तंग आ गया है भाई। भाई धुंध अरूब शुरू होने वाली है, जल्दी निकलो यार उससे पहले बहुत टाइट धुंध हो जाए भाई। भाई कपड़ों की शॉप पे तो पहुंच गए लेकिन कपड़े लेने कोई नहीं आया हमारे अलावा। हाँ। है ये ना ले लेंगे, ये देखो जितना बड़ा तुम्हारा पेड़ है तुम्हें इस तरह की चार आनी है। इसे सिर्फ मेरा बाजू कवर होगा, वो भी नहीं हो रहा। तो भी हुडी शुडी तो काफी पड़ी हुई है लेकिन बच्चों की पड़ी नहीं है भाई। मैं तो कहता हूँ बस फटाफट एक दो बड़ी हुडीज पकड़ते हैं, ठीक है फिर निकल जाते हैं। धुंध बहुत हो रही है, निकलना दस्ती। ऊपर से रूप ने जिस तरह का जो है ना गेटअप बनाया हुआ है, शॉप वालों ने समझना कि तुम यहाँ पे चुराने आई हो चीजें। भाई एक ये पकड़ लेते हैं, इन्हें भी फाड़ लीजिए भाई, ये भी अच्छी लग रही है। स्वेटर स्वेटर ये भी पकड़ लेते हैं भाई, थैंक यू। तो कपड़े शपड़े ले लिए हैं लेकिन अभी जो है ना हमें जाना है जूते लेने भाई। आपका भाई बाथरूम की चप्पलों पे घूमता है रूब। हाँ, कोई जूते ही ले दिया करो मुझे यार। तो जूते लेने जाना है लेकिन वो भी यहाँ से थोड़ा दूर है जहाँ से हमें कुछ जूते अच्छे मिल जाते हैं सस्ते में, तो वहाँ पे चलते हैं भाई। A few moments later. तो यार बड़ी जो है ना पैड़ी सिचुएशन हो गई है भाई, यहाँ पे हमारे पास इतनी सी भी विजिबिलिटी नहीं है भाई। बहुत गंदी फॉग हो चुकी है भाई, पूरा कोहरा ही कोहरा, इस वक्त कुछ भी नजर नहीं आ रहा और भाई हम लोग बड़ा गद्दा फंस चुके हैं। ये हमारा जो है जो 20 मिनट का रास्ता है ना वो 53 मिनट शो कर रहा है मैप पे। क्या करें भाई, मुझे तो बहुत टेंशन। तुम्हारे घर जाते जाते भी हमें घंटा लग जाएगा, मेरे घर जाते जाते तो 2-3 घंटे लग जाएंगे भाई साहब। फंस गए हैं भाई, ये काम खराब है यार, सर्दियों का बंदा कुछ कर ही नहीं सकता यार। बहुत बैड सीन है भाई साहब, नजर ही कुछ नहीं आ रहा यार। भाई सुबह का खाया भी हमने कुछ नहीं हुआ यार। मैं तो कहता हूँ अरूब आज जो है ना फॉर्च्यूनर में ही सो जाते हैं भाई, यही से लिविंग इन अ फॉर्च्यूनर फॉर 24 आवर वाला चैलेंज भी मैं अपन शुरू कर देंगे फिर। मस्त प्लान है, नहीं तो मैं मेरी तुम्हें बाहर फुटपाथ पे सुला देंगे। तो भाई काम ऑफ हो गया, ठीक है 58 मिनट शो कर रहा है लेकिन ये तकरीबन हमें 3 घंटे लग जाएगा जिस स्पीड से हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि ये कुछ भी नहीं होने वाला इसका, ये हम फंस चुके हैं बड़ा गंदा भाई। पैरा हाल हो गया भाई, मैं तो सुबह का कुछ खाया भी नहीं हुआ, कुछ खाया भी नहीं हुआ यार। कुछ खाना ले पहले। हाँ, मैं यहाँ पे उससे पहले डाका डुका डाल जाए हमारे साथ, कोई बाइक ये तो बाइक पता चोरों के लिए गोल्डन टाइम होता है इस तरह का, रात के 11-12 बजे हो और फॉग हुई हो, उन्होंने क्या 2 सेकंड में जो है मोबाइल शोबाइल लूट के चले जाना, फिर आपकी भाई का व्लॉग कैसे आएगा भाई। सारे फिर चोर अपलोड करेगा व्लॉग। तभी जो है ना हम कोई रेस्टोरेंट ढूंढ लेते हैं, कि कुछ भी नहीं खाया हुआ सुबह का, खाना क्या है अब जो मिल जाए खा लेते हैं यार। हाँ। जो भी सामने है, एक तो मैप पे देखना पड़ रहा है कि हम हैं कहाँ पे, मुझे खुद नहीं पता हम हैं कहाँ पे। वैसे मैं निकलता नहीं हूँ इस टाइम पे लेकिन आज जो है ना बस हम ही निकल गए, गलती कर दी भाई। अच्छा, जब हम निकले हैं तब बिल्कुल क्लियर था, एकदम धुंध आई है, एकदम धुंध आई है भाई। पूछा मैंने कुछ यार, मैं तो कहता ग्रेट खाली को एक बार लाहौर का चक्कर लगाना चाहिए है, एक उसे सांस लेनी है फॉग चले जानी है सारी। भाई इन भाई साहब को देखो है, गाड़ी के अंदर भी धुंध लेके आ रहे हैं, ये पागल हो गए ये नशे में, नहीं नशे में, नशे में लग रहा है मुझे, क्या मुझे लग रहा है नशे में पागल हो गए हैं। नहीं, आई थिंक दे कांट सी। क्या
तो इसे दरवाजा खोल के कैसे देख सकते हैं? दरवाजा खोल के तो धुंध भी अंदर आएगी तो उनकी गाड़ी तो सत्यानाश हो जाएगी। बात तो सही है। तो यहाँ पे जो है ना कुछ रेस्टोरेंट वगैरह नजर आ रहे हैं, ठीक है अभी यहीं पे रुक जाते हैं, कोई रोटी छोटी खा लेते हैं फिर निकलेंगे। वैसे धुंध कम तो नहीं होनी, रोटी छोटी खाते हैं ठंडे दिमाग से सोचते हैं। और यहाँ पे जगह नहीं है गाड़ी पे, दरवाजा लग रहा है मेरा यार, यहीं से टाप के आ रहा हूँ मैं। वो जगह नहीं वहाँ पे, नहीं लग जाएगी उसके दरवाजे पे, फिर उसने रोना है। फिर ऊट पटांग काम करते हैं, साथ में देख सकते हैं शायद टूट रहा है गाड़ी। और भी हैंड ब्रेक मुझे फील हो रही है भाई। तो हम लोग रेस्टोरेंट तो पहुंच गए हैं, ठीक है यहाँ पे टेबल शेबले तो हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ना विजिबिलिटी इतनी गंदी हो रही है और टाइम के साथ साथ गंदी हो ही जा रही है। रूम क्या करे यार, मुझे तो खांसी शुरू हो गई है ये धुएं से भाई, बहुत पैरा हाल है। आज मेरे ख्याल से यहीं पे सोना पड़ेगा भाई। हम घर कैसे जाएंगे? जितनी देर तक हम रेस्टोरेंट में बैठ सकते हैं बैठ जाते हैं, फिर धुंध देखते हैं, रोटी छोटी खा के तुम्हारे घर चले जाते हैं, ठीक है कल निकल जाएंगे। भाई ये रोज का शुरू हो गया है यार, अब आपका भाई भी तो उल्लू का पट्टा है ना, रात को उसके दिन स्टार्ट होते हैं और रात को फिर ये हालत हो तो क्या बनेगा भाई। सुबह सुबह उठना पड़ेगा हमें। हाँ, रूटीन सही करनी पड़ेगी, तुम्हें अपनी करनी पड़ेगी। और जितने भी मेहनती लोग होते हैं ना वो रात को ही काम करके कामयाब होते हैं। तुम्हारी दादा नहीं सुबह 6 बजे उसके स्कूल जाने वाले। तो रोटी छोटी जो है ना हमारी आ गई है, ठीक है मैंने कोई मीट मूट मंगवाया, इसने क्या मंगवाया जी, बच्चों वाले नूडल्स, मैगी नूडल्स मंगाए हैं भाई। नहीं मजेदार, कैसे नूडल तुम्हारे? बुरे। इधर दे दो फिर, ये वापस रख लो भाई। रूप के नूडल्स तो बहुत फाड़े के निकले हैं, तो हम लोगों ने जो है ना ये चावल चावल मंगवा लिए। मजा आ गया भाई, मजा आ रहा है। रोटी छोटी खा के फारिग हो गए, लेकिन धुंध फारिग नहीं हुई भाई। तुम्हारे घर जा रहे हैं सीधा अब। तो है रूप के घर पहुंच गए हैं, ठीक है अभी जो है ना आज हमें यहीं पे रुकना पड़ेगा क्योंकि धुंध बहुत ज्यादा है भाई। चलो यार निकले, आ जाओ इसको जल्दी कॉल कर लो रूप। मैंने हाफ स्लीप पहनी हुई, मैंने कुछ भी नहीं पहना हुआ भाई। चुप कर बे कुत्ते, 2 बज रहे हैं, 2 सो गए हैं सारे। तो तुम्हें किसने कहा था खाने पे टाइम लगाओ रूप? ये तो वही सीन हो गया जो हम एयरपोर्ट से वापस आए थे और हम जो घर के बाहर फंस गए थे हैं। जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ रूप, कोई ना कोई भंड पड़ता रहता है। भंड? तुम भंड मारते हो, गजब बेइज्जती है। वैसे बेल दे दो ना, उन्होंने वैसे भी तो उठना है। दे तो रही हूं, दे ही जाओ, दे ही जाओ। प्लीज करो, मैं नहीं और देती। अरूप के अपने घर में इज्जत नहीं है, ना कोई आने दे रहा है भाई। कोई तो आ जाए घर से बाहर। हेलो, किसी और को कॉल लगा के देख लो, जो तुम्हारे घर में बच्चे फिर रहे होते हैं उनको कॉल लगा के देख लो। सर बच्चों के पास फोन थोड़ी है। अरूप छैया छैया वाला होता है ना वो, 50 रुपए वाला। भाई अरूप की इज्जत ही नहीं, उसके घर में लोग होते हुए अरूप के लिए दरवाजा नहीं खोल रहे। चुप कर कुत्ते। भाई जान घर इस वक्त जो है ना मेरे ख्याल से शायद सोए हुए हैं या क्या सीन है। तुम मनहूसियत के मारे मेरे साथ आए हो ना, वरना मेरी बहुत इज्जत होती है। मैं तो कहता हूँ 2-3 घंटे लगेंगे घर पहुंचने में, स्लोली स्लोली करके पहुंच जाते हैं। तुम अपने डाले अरेंज करो ना, 2-3 डाले हमारे आगे लग जाए ताकि हमारे साथ कोई कार्रवाई ना हो। निकलते हैं, लेट्स गो। लास्ट 1-2 बार कॉल करके देख लो, अगर नहीं उठाते निकलते हैं। अरूप की कोई कॉल भी नहीं उठाता, तुम्हें पता है रात को 2-3-4 बजे भी मेरी कॉल उठा लेते हैं लोग। चल झूठ भाई, सीन पैरा हो गया भाई। अरूप की इज्जत ही नहीं है उसके घर में, ना उसकी कोई कॉल उठा रहा है, ना अरूप तुम्हारी कोई बेल का जवाब दे रहा है। यार मैं वैसे भी बहुत रात हो गया यार, किसने खुला आना था दरवाजा? हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको देखभाल करने के लिए हम लोगों को टाइम पे सो जाते हैं 10 बजे भाई। भी हमें अपने घर जाना पड़ेगा और 2-3 घंटे लगेंगे हमें घर पहुंचने में। 1 आवर लेटर। तो यार कोई घंटा हो गया और हम लोग जो है ना इसी स्पीड से चली जा रहे हैं बस, और अभी भी तकरीबन घंटा लगेगा हमें घर पहुंचने में भाई। वैसे एक बार मेरे घर भी कॉल करके देख लो, क्या पता वहां भी सोए हो, वहां से भी जाए कॉल करके कंफर्म कर लो, उठा दो किसी को भी से। वैसे तो मेरी इतनी इज्जत है कि मैं बेल दूंगा तो कम से कम लोग बाहर आ जाएंगे, लेकिन फिर भी जो है ना कॉल करके एक बार किसी को इन्फॉर्म कर दो 1 घंटे तक आ रहे हैं हम। हाँ मुनीब, जाग गए हो? मुनीब सो रहे हो? अच्छा मुनीब 1 घंटे तक सो लेना, अभी सो, अभी जागे रहो 1 घंटे तक, ठीक है उसके बाद सोते रहना जो जैसे भी सोने। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। आधा घंटे तक पहुँचे मुनीब, तो आप दरवाजा खोल दो, उठ के बैठो, ठंडा मिट्टा मारो, कोई पानी शानी मारो, ठीक है उठ के बैठ जाओ बस। बस ठीक है मुनीब तो जाग रहे, बस घर पहुँचते फिर मिलते हैं भाई। 1 आवर लेटर। पूरे कोई 2.5 घंटे बाद हम लोग फाइनली पहुंच गए घर, जो नजर भी नहीं आ रहा हमें। मुनीब को जब हमने कॉल लगाई थी ना तो हमने उसको कह दिया कि दरवाजा खोल के रख ले, अब खुला ही होना चाहिए। हैं धुंध तो बहुत ज्यादा है भाई। ओ शुक्र है मजा आ गया भाई। ओए 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 ये भी खुला हुआ है। चलो जी आओ जी, सुबह होने वाली है, 5 बज गए हैं। मैं तो कहता हूं नया व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं यहीं पे। A few inches later. भाई तो यार यहाँ पे मैं ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से हम लोग घर पहुंच गए हैं, सुबह के 6 बजने वाले हैं भाई। थोड़ा सा आराम करते हैं फिर उठते हैं, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के डक्की भाई व्लॉगिंग को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं कल।